अलादीन के चिराग की कहानी तो आपने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, जिसमें आपने सुना होगा कि अलादीन को एक चिराग मिल जाता है और उसका वह इस्तेमाल करता है। पर क्या आपको पता है कि अलादीन को चिराग कब और कैसे मिलता है और वह चिराग अभी कहाँ है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत समय पहले अफगानिस्तान के एक छोटे से शहर में मुस्तफा नाम का दर्जी रहता था। वो बहुत गरीब था जो बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला पाता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसका बेटा अलादीन रहता था। अलादीन बचपन से ही शरारती बच्चा था और उसका मन सिर्फ खेल कूद में ही लगता था। अलादीन के पिता चाहते थे कि अलादीन उनके काम को सीखे ताकि भविष्य में अलादीन को पैसे का मोहताज ना होना पड़े, लेकिन अलादीन तो ठहरा मस्त मौला लड़का। इसी बीच अलादीन के पिता की तबीयत खराब होने से मौत हो गई और अलादीन को संभालने का काम उसकी माँ के ऊपर आ गया। वे अलादीन को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, लेकिन फिर भी अलादीन की माँ अलादीन को लेकर चिंतित थी, क्योंकि अलादीन कोई भी काम नहीं करना चाहता था। वह हमेशा आवारों की तरह गलियों में बस घूमता रहता था। एक दिन अलादीन घर से बाहर गलियों में घूम रहा था, तभी एक अजनबी उसके पास आया। वो अजनबी एक जादूगर था। वो अजनबी अलादीन के पास गया और जाकर बोला, क्या तुम मुस्तफा दर्जी के बेटे हो? अलादीन बोला, हाँ, लेकिन मेरे अब्बा तो बहुत पहले मर चुके हैं। उस अजनबी ने अलादीन के साथ हमदर्दी जताते हुए कहा, अरे मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हारे पिता मेरे बड़े भाई थे। मैं उनकी मौत की खबर सुनकर बहुत दुखी हुआ। इसके बाद उसने अलादीन को कुछ अशरफियाँ दी और कहा, अब तुम घर जाओ और अम्मी को कहना कि मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। फिर अगले दिन वह जादूगर अलादीन के घर आया और साथ ही बहुत सारे तोहफे भी साथ लाया। उस जादूगर के घर पहुँचते ही अलादीन की माँ ने उससे कहा, मेरे पति के तो कोई भाई नहीं है। फिर उस जादूगर ने अलादीन की माँ को कहा कि 40 साल पहले काम करने मैं बगदाद चल दिया था और मेरे भाई से मेरी खास नहीं जमती थी, इसलिए शायद आपको कभी भाई ने बताया नहीं होगा। अब जादूगर की ऐसी बातों को सुनकर अलादीन की माँ को विश्वास करना पड़ा। जादूगर ने अलादीन की माँ से पूछा, अलादीन क्या काम करता है? अलादीन की माँ ने रोते हुए कहा, अलादीन कोई काम नहीं करता और दिन भर घूमता रहता है। जादूगर ने अलादीन की माँ को कहा, आप चिंता मत करो, मैं इसे काम दिलाऊंगा। फिर यह बोलकर अलादीन को अपने साथ ले गया और वह अलादीन को काम के बहाने एक घने जंगल में ले गया और एक गुफा के पास जाकर अलादीन के साथ खड़ा हो गया, जिससे कि अलादीन बिल्कुल घबरा गया। उस जादूगर ने अलादीन से कहा, तुम्हारे गरीबी के दिन खत्म होने वाले हैं अलादीन, इस गुफा के अंदर बेशकीमती खजाने हैं। यह सुनकर अलादीन खुश हो गया और उस जादूगर से पूछा, उस खजाने को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जादूगर ने बोला, मैं तुम्हें अंदर जाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरे लिए अंदर में एक चिराग रखी हुई है, उसे लाना होगा। अलादीन इसके लिए तुरंत तैयार हो गया। फिर जादूगर ने मंत्र उच्चारण करके गुफा के दरवाजे को खोला और अलादीन अंदर चला गया। अलादीन चिराग के पास तो पहुंच गया, लेकिन अलादीन जैसे ही चिराग को उठाया, गुफा के दरवाजे बंद हो गए, जिससे कि अलादीन घबराते हुए गुफा के गेट के पास गया और उस जादूगर से कहा, मुझे यहाँ से निकालो। यह सब देखकर जादूगर भी घबरा गया और वहाँ से निकल गया। जैसे तैसे वह अलादीन चिराग को लेकर गुफा से बाहर निकला और अपने घर पहुँचा। अलादीन घर पहुँचकर सोचने लगा कि इस चिराग में ऐसा क्या है जो कि जादूगर इसके पीछे पड़ा है। उसे लगा कि शायद यह चिराग बहुत कीमती होगा और वह उस चिराग को बेचने के लिए उसे कपड़े से साफ कर रहा था। साफ करते वक्त अचानक से उस चिराग से एक जिन बाहर निकला और बोला, क्या हुक्म है मेरे आका? यह देखकर अलादीन घबरा गया और उस जिन से पूछा कि तुम कौन हो। उस जिन ने जवाब में देते हुए कहा, ये चिराग जिसके पास होता है मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ। इसके बाद से अलादीन की सारी मुश्किलें खत्म हो गई। उसे जो भी जरूरत पड़ती वह उस जिन से मांग लेता। कहते हैं कि अलादीन ने कभी भी जिन को गुलाम नहीं समझा था।
वह अपने भाई की तरह ही रखता था। अलादीन ने अपनी मौत से पहले जिन को एक आखिरी हुक्म दिया कि तुम ऐसी जगह दफन हो जाओ कि तुम्हें कभी भी कोई नहीं खोज सके, और जिन ने ऐसा ही किया। कुछ लोगों का मानना है कि अलादीन का चिराग सेंट्रल एशिया की पहाड़ों पर दफन है। ये कितना सत्य है ये तो किसी को नहीं पता।